हेलो दोस्तों, कैसे हो यार। आप सभी को दिल से वेलकम करते हैं एक और नए वीडियो में। गाइज, ये जो वीडियो होने वाला है गाइज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एक नया मोड के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था गाइज, एक नया मोड आ चुका है, ये है पबजी 1.3.0 वर्जन। इसमें हमें एरिना मोड पर एक नया मैप देखने को मिलेगा और ये गेम गाइज इज लाइक आप कह सकते हैं TDM, बट गाइज मैप भी अलग होने वाला है। तो चलो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी बंदे अभी तक लाइक नहीं किए, कमोन गाइज लाइक कर दो, और न्यू बंदे हो तो कमोन यार सब्सक्राइब कर दो। वैसे कल मुझे बहुत सारे बंदे कमेंट करके बोल रहे थे कि वो 1.3.0 अपडेट करना चाहते हैं, तो गाइज मैं वैसे लिंक दे दिया हूँ। कुछ कुछ भाइयों का कमेंट में मैं रिप्लाई कर दिया, तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो हम सबसे पहले यहाँ पर एरिना मोड जो है वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, मैप का नाम गाइस पता नहीं, यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ चाइनीज वर्जन में लिखा हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पर हमारे ग्लोबल वर्जन में आ जाता है ये मोड, तो हमें इसका प्रॉपर नाम पता चल जाएगा। तो फिलहाल कोई बात नहीं गाइज, हम ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप खेल रहे हैं तो ध्यान देना एक चीज़ गाइज, हो सकता है आपको 10 से 15 मिनट वेट करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा वेट किया, उसके बाद गाइज फाइनली मेरा जो मैच वो यहाँ पर लग गया। तो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर जैसा TDM होता है 4v4 वही होने वाला है। लेकिन यहाँ पर देख लो गाइज, बैकग्राउंड में अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये जो मैप हमें दिख रहा है ये दरअसल नॉर्मल TDM वेयरहाउस का है, बट यहाँ पर अंदर में वेयरहाउस नहीं है। और साथ ही साथ और इसके साथ ही जो मोड था एरिना वाला, वहाँ पर भी गाइज इस मैप का थीम नहीं लगा हुआ था। तो ये बीटा वर्जन है, तो आप मान सकते हैं गाइज ऐसा हो सकता है। तो हम फाइनली यहाँ पर अंदर स्पॉन हो चुके हैं, और देख लो गाइज यहाँ जो ट्यूटोरियल होता है वो भी ऐसे ही बता रहा है जैसे हमें TDM में दिखाया गया था, बट गाइज यहाँ पर वो अलग TDM है, ये अलग TDM है। तो हम फाइनली यहाँ पर स्पॉन हो चुके हैं, और देख लो गाइज पीछे रेक लगे हुए हैं, यहाँ से हम आराम से गन उठा सकते हैं। अगर आप गन लोड आउट पर सेट किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपके पास रहेगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो गाइज यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद चलो यहाँ पर फाइट कैच कर लेते हैं गाइज। हमारा एक साथी जो है वो ख़त्म हो चुका है, हम भी यहाँ पर एक को मार चुके हैं। और ये गाइज ये मैप अगर मैं बताऊँ तो भाई कैंपिंग बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर जो भी बंदे न्यू खेलेंगे ना, जब पबजी ग्लोबल आएगा तो उनको पता ही नहीं रहेगा कि बंदे कहाँ से मार रहे हैं और कहाँ कहाँ से बंदे आ सकते हैं। सच में मैं फर्स्ट बार यहाँ पर खेल रहा हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। बंदे अचानक कहीं पीछे से आ जाते हैं, कहीं आगे से आ जाते हैं, बाद में ये पता चलता है कि ये जो है वो अंदर से आ सकते हैं और इसके साथ ही वो ऊपर से कहीं से भी कूद के आ सकते हैं। ऐसे 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 जगह बने हुए हैं। तो अगर आप दो चार बार खेलोगे तो आराम से पता चल जाएगा। बीच में देख लो यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी रखा हुआ है, वो भाई लगता है गैस यहाँ पर पूरा का पूरा वो क्रैश कर चुका है, और इसी बीच हमें यहाँ पर फाइट करना है। ये अगर मैं बोलूँ तो ऐसा फील दे रहा है जैसे कि हमारे चेयर पार्क के अंदर जैसे मोड होता था, सेम एज वैसे ही है, कुछ कुछ चीज़ें तो वैसे ही है। और यहाँ पर जो बेस है, हम जहाँ स्पॉन हुए हैं उसका नाम है गाइज E1, और जो एनिमी टीम है उनका बेस का नाम है E2। E1 E2 ऐसा बेस नाम रखा गया है, पता नहीं हो सकता है इसे चेंज कर दिया जाए, बट पता नहीं, यहाँ पर कुछ भी आइडिया नहीं है, बीटा है तो कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पिंग जो है वो थोड़ा सा इशू कर रहा है, सो इस वजह से मैं नहीं सक रहा हूँ। और इसके साथ ही अभी जो आपको यहाँ पर जितना ब्राइटनेस दिख रहा है, मुझे गेम में उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था, मुझे कुछ अंधेरा टाइप से दिख रहा था। इस वजह से मैं सबसे पहले तो यार ये जो जगह है इससे मैं समझने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही अगर कोई भी एनिमी मर जाता है तो आप उससे अगर लूट करना चाहते हैं तो तुरंत लूट करना होगा। अगर आप कंपेयर करते हैं TDM नॉर्मल वेयरहाउस से, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ज़्यादा ही सेकंड तक स्पॉन हुए रहते हैं, उसके बाद डीस्पॉन हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को भी मारें तो बहुत जल्दी आपको पिकअप करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एनिमी का कोई भी गन डीएसपॉन तुरंत हो जाएगा। और सबसे यहाँ पर अच्छा लगा यहाँ पर कि ये अगर जो भी बंदे होल्ड करके खेलना पसंद करते हैं, मतलब होता है ना कि ज़्यादा छुप के, वो उनके लिए यार ये मैप सच में ओपी होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर एक नहीं, 10-10, 20-20 ऐसा ऐसा जगह है जहाँ से आप होल्ड करते हुए बंदे को मार सकते हैं। अगर आपके पास स्नाइपर है तो सच में मैं बता रहा हूँ, या फिर ओम स्पॉन होता है
तो अगर कहीं से आप छुप के मारते हैं ना, तो बंदे को पता भी नहीं चलेगा, जब मरेगा तब पता चलेगा कि अरे भाई आप तो यहाँ से बंदे को मार दिए। और रही बात अगर जैसे टीडीएम में होता है बीच में स्पॉन, तो मैं यहाँ पर गेम खेला, मुझे कुछ आइडिया नहीं लगा कि यहाँ पर कुछ स्पेशल वेपन भी स्पॉन होते हैं या शायद पता नहीं, बिकॉज यहाँ पर गेम खेलते वक्त मुझे एक भी दिखाई नहीं दिया, तो इस वजह से मैं कुछ कह नहीं सकता। और इसके साथ ही यहाँ पर जो स्पॉन पॉइंट है ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत लगा, मतलब कि अगर कोई बंदा आपके सामने यहाँ पर कैंप किया हुआ है, कैंप करने का बहुत सारा जगह दिया हुआ है, तो क्या होगा कि अगर आप स्पॉन होते हैं और उसके बाद कुछ लूट कर रहे हैं तो वो बंदा पूरा का पूरा ओपनली आपको मार देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कवर नहीं बना हुआ है। ऐसे ही सेम एज आप उनको भी मार सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि वो सिर्फ हमें मार सकते हैं, वो आप एनिमी टीम को भी ऐसे ही मार सकते हैं। तो वैसे आपको ये मैप कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये ज़्यादातर गाइज बनावट जो है ये पूरा का पूरा चेयर पार्क के अंदर जो 1v1 होता था वैसे ही बनाया गया है, लेकिन हाँ ज़रूर कुछ यहाँ पर मॉडिफाई किए गए हैं जिससे बाहर कुछ अलग लगेगा। और इसके साथ ही गाइज बाहर में कुछ खिड़कियाँ लगी हुई हैं, बाहर से देखने से लगेगा कि भाई 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 आसमान की ऊँचाइयों में खेल रहे हैं, ऐसा लगेगा हमें। तो ये था वैसे TDM मोड, पता नहीं गाइज मैं इस मोड का क्या नाम दूँ। उम्मीद करते हैं ये मोड आपको जरूर अच्छा लगा होगा, या फिर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे वैसे कमेंट करके बता सकते हैं। और एक चीज गाइज, इरिंगल मैप में भी कुछ नया अपडेट आ रहा है, ओके उसका वीडियो मैं कल डालने वाला हूँ, जो कि वो भी कतई ओपी होने वाला है। जो भी बंदे गेम फॉर पीस वाले वीडियो देख चुके हैं उनको पहले से पता होगा, अगर आप गेम फॉर पीस वाला वीडियो आप नहीं देखते हैं तो आप जरूर से जरूर कल देख लेना, एक इरिंगल में भी गाइज बहुत ही अच्छा अपडेट आ रहा है। तो चलो गाइज मिलते हैं इस तरह के और भी वीडियोस के साथ, और अभी के लिए गाइज गुड बाय एंड लव यू ऑल।